ग्रामीण मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान के पदाधिकारियों ने एक अन्य संस्था पर फर्जीवाड़े का आरोप लगाया है। संस्थान के पदाधिकारियों ने कहा कि उत्तक संस्था सर्टिफिकेट देकर विद्यार्थियों को मूर्ख बना रही है। ग्रामीण मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान के राज्य निदेशक राजन राजवाल व प्रतुल चौधरी ने बताया कि उत्तक संस्था के खिलाफ अब FIR दर्ज करवाई जाएगी। उन्होंने बताया कि उत्तक संस्था को छत्तीसगढ़ बोर्ड से मान्यता मिली थी, परंतु संस्था के गलत तरीके से सर्टिफिकेट बांटने पर छत्तीसगढ़ बोर्ड ने मान्यता रद्द कर दी थी। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने भी अपनी 105वीं बैठक में उत्तक संस्था को ब्लैक लिस्ट कर दिया था। पदाधिकारियों ने बताया कि वह संस्था फर्जी प्रमाण पत्र छापने का कार्य कर रहा है, बिना शिक्षा बिना परीक्षा व युवाओं के सपनों से खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने कहा कि संस्था 20 दिनों में बिना शिक्षा बिना परीक्षा एक बड़ी धनराशि लेकर सर्टिफिकेट दे देती है। पदाधिकारियों ने विद्यार्थियों से आह्वान किया है कि वह उत्तक संस्था के झांसे में न आएं। ग्रामीण मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान के पदाधिकारियों ने कहा कि वे औषधीय पौधों को विद्यार्थियों के माध्यम से घर घर पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश की ग्रीनरी को बचाने के लिए ये प्रयास किया जाएगा। पदाधिकारियों ने लोगों से आह्वान भी किया है कि वह ग्रीनरी को बचाने के लिए अपने बच्चों के नाम पर पौधे का नाम रखें व उनकी देखभाल करें। आज की जो प्रेस वार्ता हुई है वो ग्रामीण मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान की तरफ हुई है, के तरफ से हुई है, जो कि हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड और हिमाचल प्रदेश सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान है और हिमाचल में सही तरीके से कार्य कर रहा है। लेकिन हमारे नाम का जो ग्रामीण मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान है, इसे रूरल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग अपने सर्टिफिकेट्स पे और अलग अलग जगहों पे अपनी इंग्लिश के नाम का हिंदी में अर्थ लेके हमारी संस्था को बदनाम करने का प्रयास कर रही है। और मुझे जानकारी मिली है कि वो हिमाचल में हमारे नाम से जाली सर्टिफिकेट बनाने का कार्य कर रही है, जो कि हमारे लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि आज के समय में हिमाचल प्रदेश की जनता हम पे इसलिए विश्वास करती है क्योंकि हिमाचल प्रदेश सरकार ने और हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने जांच परख कर हमें मान्यता दी है। और अगर हमारे नाम का इस तरीके से कोई गलत इस्तेमाल करेगा तो हमारी आने वाली भावी पीढ़ी पर इस चीज का गलत असर पड़ेगा और वो खोखली होगी। इसीलिए हमारा प्रयास ये है कि इस चीज को, इस विषय को जल्दी से जल्दी सरकार की नजर में और जनता की नजर में लाया जाए, ताकि वो ना तो भ्रमित हो और ना ही इस गलत तरीके से काम कर रहे गिरोह का शिकार हो। जहां तक मुझे पता लगा है, रूरल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के जो चेयरमैन हैं उमानंदन शर्मा जी और जो इसके सचिव हैं विकास शर्मा जी, उनके माध्यम से ये कार्य यहाँ पे किया जा रहा है। ग्रामीण मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान के राज्य निदेशक होने के नाते मैं यहाँ की जनता से अपनी तरफ से अपील करता हूँ कि अगर ग्रामीण मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान का नाम रूरल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के ऊपर हिंदी में इस्तेमाल करके उन्हें मूर्ख बनाया जा रहा है, तो कृपया जल्दी से जल्दी वो अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में इस तरह के सर्टिफिकेट्स को पहुंचाएं और वहां पर अपनी गुहार लगाएं कि हमारे साथ इस तरीके का कुकृत्य इस संस्था के द्वारा किया जा रहा है। तो आप भी क्या इसके ऊपर कोई एक्शन? जी बिल्कुल बिल्कुल, हम इसके ऊपर एक्शन ले रहे हैं और इस एक्शन का ही नतीजा है कि आज मैं आप लोगों से रूबरू हूं। आप क्या पुलिस? जी बिल्कुल बिल्कुल, इसके अगेंस्ट हम FIR करने वाले हैं हमारी संस्था की तरफ से, क्योंकि बीइंग राज्य निदेशक मेरा ये दायित्व बनता है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं बच्चों को इस संस्था के शिकार होने से बचाऊं।